बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लाइबा और आप देख रहे हैं लिबू किचन यूट्यूब। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो मिल्क शेक। इसे हमें चाहिए होंगे, यहाँ पर मैंने लिया है फ्रोजन मैंगो जो कि 3 मीडियम साइज के हैं, और यहाँ पर मैंने लिए है एक प्याली में आइस क्यूब्स, जितनी आपकी ज़रूरत है आप उतना इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने लिए है शुगर, अगर आपके पास शुगर ना हो तो आप यहाँ पर हनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर शुगर लिया है। और यहाँ पे साथ में मैंने लिया है 250 ml का जो है मिल्क, ऑलपर्स वालों का लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसके अंदर सबसे पहले ग्राइंडर में जो है मैंगो डालेंगे, बहुत ज्यादा जमी हुई है, ताकि इससे जो है ना बहुत ही अच्छा मिल्क शेक का जो टेक्सचर है ना वो बन जाता है, आ जाता है। तो अब मैं इसमें डालूंगी शुगर, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से खुद डाल सकती हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़े से आइस क्यूब्स लिए हैं। तो अब इसमें जाएंगे मिल्क, तो चले अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। ये देखिए हमारी जो मिल्क शेक है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, तो अब हम इसको ग्लास में सर्व करेंगे। इतना ज़बरदस्त इसकी मिल्क शेक बनी है, ये आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि अभी मैंगो का मौसम आया हुआ है, गर्मियों में सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको ट्राई करते हैं और अपनी फैमिलीज के लिए बनाते हैं। तो अब हम इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ डालेंगे। और गार्निशिंग के लिए हम थोड़ी सी जो है ना कटे हुए जो मैंगो के चंक्स रखे हुए थे वो हम इसके ऊपर डालेंगे। ये आप देख सकते हैं इतनी सिंपल सी गार्निशिंग हुई है इसके, और ये खाने में भी उतनी ही मज़े की बनी हुई है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आप लोग को मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, तो अपने प्यारे से फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।